शाम की छोटी भूख हो या हो किसी पार्टी का ओकेजन, बस परफेक्ट 10 मिनट में बनाइए ये बहुत ही टेस्टी सा स्नैक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं फेस्टी फूड रेसिपीज। ये टेस्टी सा स्नैक या स्टार्टर आप कह सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। ये सुनिए आप, इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा ये डिप। देखा आपने कितना क्रिस्पी बनता है, और इसको आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं। इसका भी पूरा मेथड मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम जितना पनीर। पनीर को सबसे पहले हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। पनीर को कट करने के बाद हम इसे एक स्ट्रेनर पर रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए। अब हम तैयारी करते हैं इसके आगे के स्टेप की। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। ये बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में। कॉर्नफ्लोर के साथ इसमें जाएगी 3 बड़े चम्मच जितनी मैदा। मैदा को यहाँ पर नाप करके डालिएगा, सिर्फ चम्मच से 3 चम्मच जितनी ही सफिशिएंट रहेगी। इसके साथ इसमें जाएंगे थोड़ी सी फ्लेवरिंग के लिए चीज़ें। मैंने आधी छोटी चम्मच जितना चिली फ्लेक्स ऐड किया है, साथ में नॉर्मल खाने वाली रेड चिली ऐड की है, और थोड़ा सा सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार। आधी छोटी चम्मच जितना हम इसमें ओरिगेनो ऐड करेंगे, जो नॉर्मली हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। उसके साथ इसमें जाएगी 1/4 छोटी चम्मच जितनी काली मिर्च कुटी हुई। सारी ड्राई चीज़ों को हम एक बार विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच जितना यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर फ्रेश जिंजर और गार्लिक को ग्रेट करके यूज़ किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो मार्केट का रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया। बस एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ड्राई मिक्सचर बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जाएंगे हमारे पनीर के क्यूब्स जो हमने पहले से कट करके रखे हैं। अब हमें इस ड्राई मिक्सचर के साथ में इस सारे पनीर को अच्छी तरह से कोट करना है। पनीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए बहुत लाइट हैंड से इसको हल्की तरह से टॉस कीजिए, ताकि जितनी भी मैदा का जो मिक्सचर है उसकी बढ़िया सी कोटिंग हो जाए इसके ऊपर, और इससे हमारे जो पनीर है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट होंगे। मैंने बहुत ही लाइट हैंड से इसको टॉस करते हुए सारी मैदा के साथ कोट कर लिया है। ये देखिए हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल देंगे, दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हल्के हाथों से इसको उठाना है, और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा इसमें मिक्सचर रह गया है ड्राई वाला उसको निकाल देंगे, और इस तरीके से एक दूसरी प्लेट पर इसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे ही जो पीसेज हैं उनको अलग प्लेट पर सेपरेटली ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस कोट किए हुए पनीर को हम रखते हैं साइड में, और अब हमारा जो ड्राई मिक्सचर है उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना पानी लिया है। ये देखिए मैंने सारा पानी डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका एक बिल्कुल बढ़िया पतला सा घोल तैयार करेंगे। इसका घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही रखनी है जैसे नॉर्मली हम पकौड़े वगैरह बनाने के लिए जब घोल तैयार करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी हम रखते हैं एक साइड में, और अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट पर लिए हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ये बहुत ईजिली आप घर में भी बना सकते हैं। जो भी कोई ब्रेड हो आपके पास वाइट या ब्राउन, उसको मिक्सी में चला करके इस तरीके से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिए। अब हमारे जो पनीर के कोट किए हुए क्यूब्स थे उनको मैंने डाल दिया है इस घोल में, और बहुत ही लाइट हैंड से फिर से हम एक बार इस गीले वाले घोल के साथ इसको कोट करेंगे, और दोबारा से हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने प्लेट पर डाल रखे हैं इनमें हम इस तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही लाइट हैंड से आपको सारा काम करना है, क्योंकि पनीर के ऊपर की जो कोटिंग है वो नहीं निकलनी चाहिए, और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ ये कोट भी होने चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, और इसे हम एक स्पून की मदद से फ्लिप करते हुए थोड़ा सा, और इसे हम एक साइड में रखते जाएंगे। आप चाहें तो इसे दूसरी प्लेट पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी सेम प्लेट में इसको साइड में रखती जाऊँगी। यही प्रोसेस हम सारे ही पनीर के क्यूब्स के साथ में रिपीट करेंगे। इस पनीर से बनी हुई रेसिपी को पनीर पॉपकॉर्न कहा जाता है।
अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी को फ्रोज़न करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस आपको इसी तरीके से पनीर के सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। पहले सूखे वाले मिक्सर में कोट करना है, उसके बाद इस गीले वाले मिक्सर में कोट करने के बाद, ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए। आपको इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करना है, फ्रिज में नहीं। डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं आप इसे, 7 दिन तक भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जब भी आपका मन करे बस गर्मा गर्म इसे तेल में फ्राई कीजिए और तैयार है आपके बहुत ही डिलीशियस से पनीर पॉपकॉर्न्स। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे 10 मिनट तक के लिए रेफ्रिजरेट ज़रूर कीजिए तलने से पहले, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसे हमें डीप फ्राई ही करना होता है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर सारे पनीर के पीसेस ऐड करने हैं, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे ताकि ये आपस में ज़्यादा चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने सारे पनीर के पीसेस डाल दिए हैं, मैं इनको 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर इसको तलने में मुझे लगभग 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। जब एक बार इनके ऊपर की लेयर अच्छी तरह से क्रिस्प होना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इन्हें इस तरीके से हल्का सा टर्न कर सकते हैं। ये देखिए इन पे बढ़िया सी कोटिंग आनी शुरू हो गई है और यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स भी हमने लगाया था आप देखिए वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो रहा है ऑयल में जाते ही। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप उसे रेफ्रिजरेट ज़रूर कीजिएगा थोड़ी ही देर के लिए सही, अगर 10 मिनट भी करते हैं तो उससे जो आपको टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। एक बैच हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे फ्राई करने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगा है। ये देखिए इसको मैं निकाल लेती हूँ और ये हमारे जो पनीर पॉपकॉर्न से ये ज़्यादा समय तक इस तरीके से क्रिस्पी बने रहे इसके लिए एक खास टिप आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इसको निकालने के बाद आपको किसी भी किचन नैपकिन पर इसे नहीं रखना है, ना ही इसे किसी भी प्लेट पर ट्रांसफ़र करना है। इसको हमें रखना है इसी तरीके के किसी भी वायर रैक पर। ये देखिए मैं यहाँ पर इसी तरीके का एक स्ट्रेनर है उस पर इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे और इसी तरीके से एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने रहेंगे। देखा आपने ये कितने मज़ेदार बनते हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक सीक्रेट मसाला जिससे हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है, नॉर्मल खाने वाला सॉल्ट लिया है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारे ये तैयार किए हुए जो पनीर पॉपकॉर्न्स है ये इसमें डाल करके हम एक बार अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। ये मैंने 5 मिनट तक इसको रख चुकी हूँ, उसके बाद भी देखिए इसका टेक्सचर कितना ही मज़ेदार है और ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं है, बढ़िया से एकदम क्रिस्पी से बनके तैयार हुए हैं। अब हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सा डिप जो इसके साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देता है। छोटे वाले चटनी जार में धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल करके इसे भी अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करना है, ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और इसका इस तरीके से एक प्योरे तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़, यहाँ पर 1/4 कप जितनी मैंने मेयोनीज़ ली है और इसको डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे और ये हमारा टेस्टी सा डिप बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम सर्व करते हैं हमारे टेस्टी और कुरकुरे से पनीर पॉपकॉर्न्स के साथ में। बहुत ही डिलीशियस सा कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़।